हैं? श्रवण, मेरे बेटे श्रवण। श्रवण कौन? तू मेरा बेटा श्रवण ही है। हाँ। नहीं नहीं, आपको गलती हो रही है, मैं श्रवण नहीं, करण। बिल्कुल तू जैसा दिखता था मेरा बेटा श्रवण। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उस दिन फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था, बदकिस्मती से वो प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। 7 दिन की तलाश के बाद भी ट्रेस नहीं कर पाए उसे। अपने बेटे की डेड बॉडी भी नहीं देख पाई मैं। प्लीज रोइए मत। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए जीवन और मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सोच के अपने दिल को सांत्वना दे देती हूँ। लेकिन मेरे पति घर में खुद को कैद करके दिन रात अपने बेटे की फोटो के आगे रोते रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। कितनी दौलत है मेरे पास, लेकिन सब बेकार है। यहाँ आओ बेटा, बैठो। सुनो करण, मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करोगे तुम? प्लीज बोलिए ना। अगर मेरे पति एक बार तुम्हें देख लेंगे ना, तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी बेटा। मेरा घर पास में ही है, 2 मिनट के लिए आ सकते हो क्या तुम? जरूर, मेरी कार में चलते हैं ना। थैंक्स अ लॉट बेटा। वेलकम। क्या उम्र है इसकी, तब से चुप बैठा है? बस अभी 5 साल पूरे होने ही वाले हैं। अबक का खा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आती। चिंता मत करो, मेरा श्रवण 6 साल का था जब बोलना शुरू किया। ये जरूर बोलेगा, और इतना बोलेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। करण, तुम जल्दी से जाके अकेले ही डोरबेल बजाओ। वो दरवाजा खोलेंगे और जब तुम्हें देखेंगे तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे। इसी बहाने वो एक पल के लिए मुस्कुराएंगे तो सही ना बेटा? आप भी आइए, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। ठीक है, चलो बेटा। मम्मी, गधे थे गधे हो, गधे ही रहोगे। हैं? आंटी, आज नया बकरा? यहाँ आ बे। अपन को क्या बोला? आंटी। आंटी नहीं, माशा। क्या चिल्लर पार्टी, तुम्हारा बाप नहीं आया? ए डमरू, मूर्ति दे दे। ए इधर आ। चल चल जल्दी आ, चला, टाइम खोटी मत कर, बॉक्स ला। हाँ। ला, ला। लॉलीपॉप। इनको डायबिटीज है, लॉलीपॉप कैसे खाएंगे? तुझे बहुत पैसे मिल चुके हैं, इसे छू सर घर जा। ए, 12 की उम्र में टॉफी छीनने पे भाई को मार दिया, 15 की उम्र में टीचर ने ज्यादा होमवर्क दिया उसको टपका दिया, 30 की उम्र में अपनी छावी को भगाने वाले को दुनिया से भगा दिया, 40 की उम्र में अपने बॉस की जगह लेने वाले को उड़ा दिया। तुम चारों को मारने के लिए 4 सेकंड लगेंगे मुझे। ए, तू मुझे मारेगा? पीछे मुड़ के देख। बच्चे लड़ने के लिए अपने साथ फौज लेके आए। अबे घोचू उधर देख, तुम लोग के लिए 1 मैन आर्मी काफी है। आया नहीं? चश्मा लगा के भी देख नहीं पा रहे क्या? भाई हम तीनों के पास एक ही गन थी, वो भी उसे दे दी। कहीं दारू पीने ना बैठ गया हो। मैं निकल तो पेट भी गुड़गुड़ हो रही है। मेरे भी हो रही है। जो भी डीलिंग करनी है बॉस से कर लो। लॉलीपॉप बहुत टेस्टी है भाई। ओए
अरे आ गया तुम लोग का बाप आ गया रे। आजा आजा मेरे शेर आजा। सो स्वीट खा रहे। अंदाजा भी है तू कहाँ और किससे बात कर रहा है। सबको गोली से उड़ा दे। अरे ये तो फुल टल्ली है। ये सिर्फ दो बुलेट का बजट था, लास्ट वाला जरा। शट अप यू छोटा भीम। इतना सब बच गया। अगर मैं नीचे आ गया ना तो तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। मार डाला, हर जगह से तोड़ दिया रे। ए भाई उठ जा भाई, इन लोगों ने हम लोग को लिटा डाला, तू तो उठ जा। क्या बिड़ू, पिंक ड्रेस में वैलेंटाइन मनाने आया था क्या? अरे डील के लिए सूट वूट पहनना था। अरे ये डील भी इस ढोल गवार से ही करवा लेता। ए, गवार बोल दे, ढोल मत बोलना। 5 किलो बाल के नीचे 50 ग्राम भेजा तो होगा ना इसके पास। भेजा और इसमें क्या हुआ? अरे अरे पार्टनर, ये कवाल कैसे हुआ, कैसे हुआ? इसको बोलते अफलातून भेजा। टाइगर की एक आदत है, पहले घात उसके बाद अटैक। मुझ पे ऐसा घात किया कि चार चार फटके खाने पड़े मेरे को। चार मूर्तियों के लिए चार फटके खाने से तो दुबला नहीं हो गया। अरे तेरी तो कमर पिछड़ा जाम हो गया, कोई बात नहीं। क्या रे, नहीं शिलाजीत खा हो जाएगा। चुप रे। चार पटाने के लिए चार फटके खाने पड़ते हैं, इट्स अ गुड डील। मैंने अपने बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए हर कंपेटिटर को रास्ते से हटा दिया। इंडिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए ना सिर्फ पैसे फेंके बल्कि कईयों के सिर भी उड़ा दिए। बेफिक्र रहिए, अपनी कामयाबी की रफ्तार अपनी कार की रफ्तार से कम नहीं होने दूंगा। आपके पापा कैसे हैं? अब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं। थिंक पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। जब से छोटा था उन्होंने मेरी बुरी आदतों से तंग आकर मुझसे बात करना छोड़ दिया। 30 साल से मेरी तरफ देखा तक नहीं। सच कहूं लगता है एक दिन अचानक ही चले जाएंगे बिना मुझसे बात किए। सर आपके डैडी आपको बुला रहे हैं। मधु बेटा, तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। बोलिए पिताजी। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा ब्रिटिश के जमाने में सोनार का काम करते थे। उन्होंने एक अंग्रेज से उसके कुछ हीरे चुरा लिए थे। बाकी नगीनों को गुलाब बाग वाली मंदिर के बाहरी दीवार के पास एक गड्ढा खोद कर छुपा दिया। कई बार मुझसे कहा कि उन्हें निकाल लाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं यही सब बातें तुमसे कहना चाहता था। Hey!
में आग लगा दी। बात बनने वाली थी लेकिन ये लोग मुझे बाहर ही खींच लाए। इडियट, एक बार और क्यों नहीं ट्राई करता? हाँ hey, सेक्सी। अभी मूड नहीं है। मुझे देख के भी नहीं। फूल। मुझसे कहा? Of course. Wow, nice car. अरे हाँ, पापा ने गिफ्ट की। Happy birthday to me. That is so sweet. Excuse me. Hey, come on, what the heck? My car. Hey, hey, this is not your car. वो वहाँ, उधर। Sorry. Sorry. Meri car. So handsome. Nice shirt. Branded coat. Nice belt also. लगता है लॉक खराब हो गया है। चाबी घुसी नहीं थी। क्यों भाई, डिक्की दिखती नहीं है कि चाबी लगा देते हो? लगा कर। मुझे सुभाष नगर के लिए टैक्सी बुलवा दोगी? टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है, 10 रुपए में शेयरिंग ऑटो जाता है। अगर इतनी फिक्र है तो अपनी कार में ड्रॉप कर दो। कार? कार? ओनर आने से पहले इसका नंबर लेना। एक्सक्यूज मी, शायद ये मेरी कार है। तो फिर गाड़ी का नंबर बताओ। जब कार खरीदी थी तो कुछ अच्छा सा नंबर बताया था। तुम अपनी बताओ, तुम्हारे कार नंबर। तुम दोनों लगभग दो क्या? PY01CG66 मेरी कार का नंबर है। So sorry. It's okay. Enjoy. I will. Sorry. बिना लाइसेंस के कहाँ देख रहा है तू? खड़ा हो जा। Gorgeous. तेरी कोई मदर सिस्टर है कि नहीं? निकल यहाँ से। My car. अपना फोन नंबर मुझे दो प्लीज। मेरा पर्सनल नंबर 3246272829। इसमें आधार और फोन नंबर दोनों है। Who are you? ए बजरी, चल जल्दी। तू कौन है बे? मैं वही हूँ जो बिना भाड़े के तेरे लिए ये इम्पोर्टेड कोड लेके आया। कुछ याद आया? चला, धक्का लगा। खड़ा क्या है? अरे छोड़ लड़की को। सिर से पांव तक लोकल बॉय है, मैं इंटरनेशनल। ओ मैडम, हाई हील निकालो, आके धक्का लगाओ। Disgusting. Get lost. अरे डैशिंग हूँ। बाहर में जाओ। Disgusting बोल रही है। अरे छोड़ वो लड़की को, इधर आके धक्का लगा। ये भीम ने पोस्टर लगा के पैसे लिए थे, वो भी हजम कर लिए। पेट्रोल भी लगा है। पनवती साहब, धक्का लगवाएगा। सॉरी, क्या हुआ, काम बना नहीं क्या? तेरे जैसे दोस्त होंगे तो यही होगा। चल। ये पेट्रोल के पैसे हजम कर लेता और तू उनके पीछे पड़ा रहता है।